रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। जिला पुलिस ने नशा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 दिन के भीतर 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का जगह जगह छापेमारी अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में पुलिस ने सलोनी कस्बे की करेर पंचायत में गर्डलोड सड़क पर एक किराए के मकान में दबिश देकर वहां से 67.95 ग्राम चिट्टे समेत युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर अरजीत सेन ने कहा कि नशा माफिया को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। जिला पुलिस ने नशा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 दिन के भीतर 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। सुजानपुर में कॉलेज छात्र की नशे की ओवरडोज के कारण मौत के बाद पुलिस का जगह जगह छापेमारी अभियान चल रहा है। इस कड़ी में पुलिस ने सलोनी कस्बे की करेर पंचायत में ग्लोर सड़क पर एक किराए के मकान में दबिश देकर वहां से 67.95 ग्राम चिट्टे समेत युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक की पहचान उपमंडल बोरंज के जाहू खुर्द निवासी 32 वर्षीय राकेश कुमार के रूप में हुई है। आरोपी लंबे समय से करेर पंचायत के किराए के मकान में रहता था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि करेर पंचायत में कोई युवक संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक अजय सेन ठाकुर, उप पुलिस अधीक्षक हितेश लखनपाल समेत पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे मकान को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद मकान के भीतर घुसकर आरोपी युवक को 67.95 ग्राम चिट्टे के समेत गिरफ्तार किया। वहीं सुजानपुर में भी एक कांगड़ा जिला के लोअर लंबा गांव के रहने वाले 28 वर्षीय युवक अनूप कुमार पुत्र प्रीतम चंद को 17.59 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर अरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि नशा माफिया को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने जिला भर के लोगों से अपील की है कि वे नशा माफिया के बारे में पुलिस को सूचना दें।